विश्व में प्राचीन काल से ये मुल्क रहा है सोने और हीरों की खान। विश्व में प्राचीन काल से ये मुल्क रहा है सोने और हीरों की खान। इस देश ने ही तो दिया था दुनिया को गणित में शून्य का पर्दा। क्योंकि हमारी मातृभूमि का प्रत्येक नागरिक होता है खूब बेहतरीन इंसान। क्योंकि हमारी मातृभूमि का प्रत्येक नागरिक होता है खूब बेहतरीन इंसान, चाहे वो बौद्ध जैन सिख ईसाई हो या फिर हो हिंदू और मुसलमान। पर बंटवारे के समय हुई थी ये धरती अपनों के खून से लहूलुहान। पर बंटवारे के समय हुई थी ये धरती अपनों के खून से लहूलुहान। तभी तो माँ भारती के चेहरे पर से गायब हो गई थी सच्ची मुस्कान। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उपयोग किया अपना समस्त ज्ञान। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उपयोग किया अपना समस्त ज्ञान और 2.5 वर्ष में बनाया कुछ नियमों को बिना महसूस किए कोई थकान। फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारे देश का संविधान। फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारे देश का संविधान। फलस्वरूप इस देव भूमि को मिल गई अपने खुद के कानून की पहचान। अब हर वर्ष इस दिन आमंत्रित किया जाता है एक विदेशी मेहमान। अब हर वर्ष इस दिन आमंत्रित किया जाता है एक विदेशी मेहमान। तब हमारे तीव्र विमानों की गर्जना से थरथरा जाता है आसमान। साथ ही राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक दिखती है झांकियों की शान। साथ ही राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक दिखती है झांकियों की शान, जो याद दिलाती है शास्त्री जी का दिया नारा जय जवान जय किसान। इसलिए पूरे संसार भर में सारे जहां से अच्छा है हमारा हिंदुस्तान। इसलिए पूरे संसार भर में सारे जहां से अच्छा है हमारा हिंदुस्तान। तिरंगे को नमन कर हर देशवासी का दिल कहता है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान।